न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अगली खबर में हम बात करते हैं रीवा की, जहां सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जिसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। हालांकि रीवा जिले में आंशिक रूप से बेरोजगारों ने ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, ऐसे मैदानों में जहां युवाओं के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, वहां पहुंचकर समझाइश दी जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार के इस तरह के विरोध प्रदर्शन न करने की भी बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन न करने की अपील कर रही है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपसे बड़े गंभीर व्यवहार की उम्मीद रहेगी हमेशा। तो ये हमको अभी से ही तैयार करना पड़ेगा अपने व्यक्तित्व में कि किसी भी बात को पहले वेरीफाई करें, पहले उसको समझें, उसके दुष्परिणाम और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसको समझें, फिर हम अपना एक्ट करें। तो किसी भी कॉल पर दौड़ के चले गए, कोई भी बात आई तो हम उसको सच मान लिए। लोग सुबह के सत्र में भी, जैसा आपने देखा था, पहले SP साहब भी आए थे और अभी शाम के सत्र में भी हम लोगों ने बच्चों से आके यहाँ मुलाकात की है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हम लोगों ने संवाद भी किया है और बड़े उत्साह से लवरेज हैं बच्चे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम लोगों ने ये बात कही है कि वो अपना जो तैयारी है उसको मनोयोग से करें और किसी भी तरह के बहकावे में या किसी आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि उनका खुद का कैरियर आगे बाधित हो। बच्चों से बहुत अच्छे वातावरण में आपने देखा बातचीत हुई है और वो रीवा में जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही सुखद अनुभूति है। अप्रिहेंशन है क्योंकि बहुत जगह इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर रेलवे स्टेशन या ऐसी सभी जगहों पर हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। अभी आप देखो हम लोगों ने पूरे शहर में भी फ्लैग मार्च निकाला है ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी बना रहे और अगर कोई ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इस एटमॉस्फेयर का फ़ायदा उठाकर किसी को बहकावे में लाकर और ऐसी कोई गलत गतिविधियां करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। भारतीय सेना द्वारा सैनिकों के भर्ती के लिए अग्निवीर योजना चलाई जा रही है, उसके तहत नए नियम से भर्ती की जाएगी। उसमें अपने नवयुवक मिसगाइड ना हो, उनके लिए सही बात उन तक पहुँचे, इस बात के लिए अचानक तौर पर पुलिस बल लगा हुआ है। नवयुवा मार्ग से ना भटके इसके लिए बल लगा हुआ है। हाँ, उसके विरोध में काफ़ी मतलब देश में है लोग, मतलब अशांतिपूर्वक जो है उसको वो यहाँ पर घटना ना हो, है ना, तो इसलिए पुलिस बल जो है लगाया गया सुरक्षा के दृष्टि से, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।